आप देख रहे हैं अपना Thank you.
भव्य कार्यक्रम मीरा रोड में हो रहा है। मीरा रोड कार्यक्रम हमेशा भव्य होता ही है, और जहाँ गीता सिंह रहती है हमारी बच्ची, वो इतना मेहनत करती, कार्यक्रम भव्य होना ही है। आज यहाँ पर विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दही हंडी उत्सव में बहुत सारे लोग यहाँ पधारे हैं। मैं उन गीता सिंह, उनके सभी लोगों को, नवीन कुमार सिंह, जो भी लोग हैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि यह उत्सव जो है, ये इतनी खुशियों का उत्सव है। हर जगह लोग नाच रहे हैं, उनको हर लोग कन्हैया बन के नाच रहे हैं, हर लोगों को मथुरा दिखाई पड़ रहा है, हर लोगों को वृंदावन दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये त्यौहार जो है लोग बड़ी खुशियों से मना रहे हैं, और मैं उनको बधाई देता हूँ। और आपके माध्यम से भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर मैं सभी को शुभकामना देना चाहूँगा। सर, आप एक ऐसे एकलौते लीडर हैं जिन्हें हर वर्ग का प्यार मिलता है, क्या कुछ कारण होगा सर? ये भगवान कृष्ण की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है, ईश्वर की कृपा, कृपा के ऊपर है। इतना भव्य कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ है, और कितने वर्षों से हो रहा है ये? मेरा ट्रस्ट का पहला कार्यक्रम है, विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, अभी 3 महीना पहले ही रजिस्टर हुआ है, और ये मेरा पहला कार्यक्रम है। और जहाँ मेरे चाचा जी आ गए आशीर्वाद देने, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, और मैं इनके आशीर्वाद से कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे कार्यक्रम आगे करती रहूं। आप बता सकते हैं कि विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कार्यक्रम, किस उद्देश्य से बनाया गया है? ये मैंने अपने जो हम सोशल वर्क काम करते हैं, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, तो इसके लिए मुझे किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना था, तो मैंने ये ट्रस्ट खोला है जिसके थ्रू मैं हर लोगों की मदद कर सकती हूँ। कुछ नाम बता सकते हैं आपके चैरिटेबल ट्रस्ट में, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट में मेरी फ्रेंड नीलिमा रस्तोगी है, निशा अग्रवाल है, मेरे बड़े भाई नवीन सिंह है, पिंटू भैया है, और दीपक जीजा है। ये सब, ऐसे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन ये खास करके, और जिसका मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, वो मेरे हस्बैंड दिनेश सिंह है। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, और कभी कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। और चाचा का आशीर्वाद जो है मेरे साथ, तो मैं हर चीज़ से लड़ लूँगी। देखिए, मैं पिंटू सिंह जी ने मुझे इनवाइट किया है दही हांडी के कार्यक्रम में, और मैं, मेरा पहला है ये, मैं मीरा रोड के कार्यक्रम में आई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं दही हांडी की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अजय भाई, आपको पता है कार्यक्रम हम जो भी करते हैं बहुत भव्य कार्यक्रम होते हैं, राम कथा का भी कार्यक्रम कवरेज किए थे, और दही हंडी कार्यक्रम, और हमारे कार्यक्रम में हमारी दोस्त अलीसा जोशी, जो कि हिंदी की अच्छी एक्ट्रेस, जानी मानी एक्ट्रेस है, आके चार चार लगा दी है। तो हमारी शुभकामनाएं अलीसा जी के लिए है कि वो भविष्य में बहुत आगे जाए, बहुत बड़ी सुपरस्टार बने हमारी इंडस्ट्री की, यानी मैंने हमारी हिंदी इंडस्ट्री की बहुत नाम कमाए, बहुत शोहरत कमाए, हमारी शुभकामनाएं अलीसा जी के साथ में है, और दिल से धन्यवाद है कि हमारे कार्यक्रम में समय निकाल के आई है। तो तहे दिल से अलीसा जी आपको सम्मान है, हमारा स्वागत है, और अलीसा जी आगे बोलेगी। अभी तो हम गणपति रख रहे हैं। अभी तो हम पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मिले हैं, तो आगे और हम अच्छा करेंगे। और अभी हमारी प्लान चल रहा है, दिलीप भाई, 10 फिल्म एक सीरियल का हमारा प्लान चल रहा है, बहुत जल्दी हम धमाका करने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोगों के सामने। भाई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ी फिल्म करीब 9 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का हिंदी पिक्चर अनाउंस करने वाले हैं, एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्द। नमस्कार, मैं हूँ रैपर रितेश्वर, मैं आज दही हांडी के प्रोग्राम में मीरा रोड में आया हूँ। पिंटू भैया है, जिनका नाम पिंटू सिंह है, जो भव्य प्रोग्राम हर साल बहुत उल्लास के साथ रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, जो में कि बड़े तादाद में कलाकार आते हैं, भोजपुरी से, बॉलीवुड से, सभी कलाकार, और इतना मान सम्मान करते हैं, इतना प्यार देते हैं, और यहाँ के तमाम जो यहाँ का लोग हैं, जो देखा हूँ इतना तमाम भीड़ यहाँ जमा हुआ था, जो इतना प्यार करते हैं पिंटू भैया को, इसके लिए मैं क्या बताऊं, मैं एकदम नतमस्तक हो गया। हर साल मैं आऊंगा, जब भी हमको बुलाएंगे तभी मैं आऊंगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया को इनके आने वाले फ्यूचर और भविष्य में। अरे मजा आ गया आज दही हांडी का जो कार्यक्रम हुआ, दही हांडी उत्सव का, जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से, पिंटू भैया की तरफ से हम आए, पिंटू भैया ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू भैया का, हमें हमेशा हर साल बुलाते हैं पिंटू भैया, और उसी मजा आता है, जन सैलाब उबड़ी हुई है, और आज दही हांडी का दिन है, बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग आज दही हांडी में एक परिवार एक साथ है, हमारा भोजपुरी परिवार, और इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, और मैं चाहूँगा कि हर साल तो मनाना ही, हर साल ऐसे ही धूमधाम के साथ मनता रहे अपना जन कल्याण के तरफ से। भैया ऐसा क्या कारण है कि आप बुला
जाते हैं सारे भोजपुरी के वाले भैया का प्यार है जाते हैं। अरे भाई ये मेरा प्यार है, मुझको इतना प्यार करते हैं, मैं इसी प्यार से अभिभूत हो जाता, मेरी आंखें भर जाती कभी कभी, मैं जिसको बोलता कोई मेरी बात काटता नहीं, चाहे कितने बड़े हो छोटे हो सभी इतने स्टार है, मेरी बात आज तक कोई काटा नहीं है। तो मीरा रोड से हम लोग मीरा रोड में आए हैं, मैं कितना 12-14 घंटे सफर करके आया था, भगवा से आया था मैं वहाँ गोरखपुर, भैया के फिल्म की मुहूर्त है, तो भैया का प्यार ऐसा है वो तो सौ मतलब 50 किलो 100 किलोमीटर भाई, मेरा सौभाग्य है कि मुझको इतना प्यार करते हैं, हम बहुत अभिभूत है उसके लिए अपने भाई का, प्यार देते हैं तब ना लव यू अविनाश भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग आए भाई बहुत 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 आपके लिए हमेशा तत्पर है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बड़े भाई पिंटू भैया है, लव यू भाई, लव यू, सुंदर गाना गाया है और इस कार्यक्रम के बारे में बोले क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पिंटू भैया को, दीपक ठाकुर भैया को, गीता दीदी को और नवीन भैया को, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया जिसमें सारे कलाकार उपस्थित थे, एक्चुअली म्यूजिक टीम मेरा ही था, रजनीश वर्मा गोलू मेरा नाम हुआ, और भैया ने ये मौका दिया, पांडे चिंटू, समर सिंह जी और अविनाश साई जी, हितेश्वर और तमाम कलाकार भोजपुरी के, अलीसा जोशी हिंदी से और तमाम कलाकार आए थे, बहुत अच्छा लगा, पिंटू भैया का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं चाहूँगा कि हमेशा आशीर्वाद प्यार ऐसे मिलता रहे भैया का, और बहुत जल्द और बड़ा भी काम हम लोग करने वाले हैं, आप लोग ऐसा मसाला डालते रहिएगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगा।